हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल निखिल मॉम ब्लॉग में। तो नंदा माई का मेला चल रहा था, कल नंदाष्टमी हो गई है। मेरे पास वीडियो थोड़ा देर में आई, तो कल नंदाष्टमी हो गई है और नंदा भगवती की पूजा पाठ संपन्न हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे गांव में जो देवता होते हैं तो उनको दूसरे गाँव से लाया जाता है, उनको कमरे में लाया जाता है देवताओं को, और गाजे भाजे के साथ और आरती के साथ उनका पूरी तरीके से स्वागत होता है। और ये मेला चलता है पंचमी से लेकर अष्टमी तक, और सुंदर सी कलश यात्रा चल रही है, गाजे बाजे के साथ देवताओं का स्वागत हो रहा है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा हो रहा है। और हम लोग जा नहीं पाए दोस्तों, क्या कर सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ ही ऐसी हैं। तो आगे देखो आप, तो आपको ये पूरियाँ दिख रही होंगी। ये जो पूरियाँ हैं ना, जो मेले में आए हुए भक्तजन हैं, बेटियाँ हैं और गांव वाले हैं, उन सबको ये प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। यही पूरियों का साइज होता है मेले का, और ये देख सकते हैं आप, यही प्रसाद में दिया जाता है। अभी हमें भी अपने गांव की बहुत याद आ रही है मायके की, क्या ही कर सकते हैं। और बच्चों के पेपर चल रहे थे, इस वजह से हम नहीं जा पाए। ये मेला तीसरे साल लगता है और बहुत भव्य मेला रहता है नंदा माई का। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि नंदा माई हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। और यहां पर देख सकते हैं सुंदर सुंदर से खेत हो रखे हैं, अभी सारे फसल पकने को तैयार हो रखी है, लगभग पक चुकी है। यहाँ पर धान की खेती हो रखी है, मडुए की खेती हो रखी है। सुंदर सा एकदम नज़ारा आपको दिख रहा होगा, और ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा एकदम लग रहा है। वहाँ का उत्तराखंड का नज़ारा ही कुछ और है, क्या बोल सकते हैं। और आप कभी आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल घूमने ज़रूर जाएं। ये है हमारा मायका, बहुत प्यारा सा गडेरा गांव। और यहाँ पर देख सकते हैं पीले पीले आपको खेत दिख रहे होंगे, ये है धान की खेती जो कि पक चुकी है अभी, और छोटी छोटी बालियाँ भी दिख रही हैं। ये है मंडुआ जिसको रागी बोलते हैं, और यहाँ पर जैसे कुछ कुछ लगा रखे हैं, ये जो है ना जंगली सुअर खेत को नुकसान कर देते हैं इसलिए लगा रखे हैं। और अब खेती बाड़ी तो कोई कर नहीं रहा है, सुअर उवर भी गाँव की तरफ ही भागते हैं, पहले तो वो लोग जंगलों में रहते थे। तो यही अब सब कुछ है, और ये रास्ता जाता है मंदिर की ओर, और बहुत ही प्यारा यहाँ का हमारा गांव का नज़ारा आपको मैं शेयर कर रही हूँ। और देखो कितना मस्त लग रहा है एकदम। उत्तराखंड है ही देवभूमि है, और इसी नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही प्यारा है, मनमोहक है, इंजॉय कर। Yeah, I'm going to go.
तो दोस्तों सुंदर सा मेला हो रखा है और सब लोग अपने अपने जोड़ा चांचरी में मस्त हैं और बीच बीच में जोड़ भी डाले जाते हैं, जो कि हमारे ताऊ जी हैं वो जोड़ डालते रहते हैं बीच बीच में, बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे जितने लोग भी हैं, दर्शक लोग हैं, कई लोग जो हैं अपने चांचरी में मस्त हैं और कई लोग जो हैं चांचरी में, चलना भी बहुत मुश्किल होता है ना, चलना भी एक हुनर होता है, मैंने आपको बता रखा है। जैसे चांचरी में चलना भी किसी को नहीं आता है और किसी को शौक नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, अपनी बातचीत भी कर रहे हैं और बाकी लोग जो हैं अपने चाचरी में मस्त हैं। मेरे पापा भी हैं, ताऊ जी हैं और सारे गांव के जो भी लोग हैं, चाची लोग, ताई लोग, सब मस्त हैं एकदम से। और इनको ना बहुत शौक़ होता है, ये लोग साल का इंतज़ार करते हैं, साल में आने वाले मेले का इंतज़ार करते हैं और इसी में चाचरी का और इनको शौक़ रहता है, तो चाचरी अपना गाते हैं। इतना छोटा